नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर। मैं हूं आपके साथ आरती राय। खबर राजस्थान के धौलपुर की, जहां शहर सहित क्षेत्र की सड़कों पर तेज गति में दौड़ती स्कूली वाहन कभी भी हादसे का सबब बन सकते हैं। आपको बता दें, इन वाहनों में अभी तक स्पीड गवर्नर नहीं लगाए गए हैं। स्थिति यह है कि स्कूली बच्चों को ले जाने वाली बसें, ऑटो, वैन ओवरलोड होकर चलती हैं। आपको बता दें कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार गति नियंत्रण लगे वाहनों का ही रजिस्ट्रेशन परिवहन विभाग द्वारा किया जाएगा, जिसके बावजूद बिना गति नियंत्रण लगे स्कूली वाहन बेफिक्र होकर सड़कों पर दौड़ रहे हैं। कार्रवाई के अभाव में जिले के अधिकतर स्कूल नियम की पालन नहीं कर रहे हैं। गौरतलब है कि इसके लगने के बाद बसों की गति 45 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक ही रहेगी। खास बात यह है कि तेज रफ्तार के कारण स्कूली वाहन पलटने की कई घटनाएं सामने आने के बाद भी परिवहन विभाग ने अभी तक गति नियंत्रण लगाए जाने संबंधित किसी तरह की पहल नहीं की है। कहाँ रहते हो? कौन से स्कूल में हो? कौन से वाले में? इसमें कितने बच्चे हैं? 17 बच्चे हैं। ये इतने सारे बच्चे बैठने के लिए किसने बोला? नाम क्या है तेरा? गौरव। कहाँ रहता है? कचू नहीं बा, चम्बू। कितनी उम्र है तेरी? आतम जो। नाम कितनी है तेरी? उम्र कितनी है? 17। हैं? 17। लाइसेंस है तेरे पास? नहीं है लाइसेंस। इसमें बच्चे कितने हैं? ज़्यादा ना, 12 बच्चे। 12 बच्चे हैं।